આગળ આપણે પ્રેક્ટિકલ નંબર 1 જોયો પહેલો પ્રેક્ટિકલ જોયો પ્રાચીજનિક ભાગોનો પ્રાચીજનિક ઘટકોનો અભ્યાસ કર્યો આપણે રાઈટ આઈ હોપ કે તમે ઘરે પણ એનો અભ્યાસ કર્યો હશે રાઈટ સો આજે આપણે પ્રેક્ટિકલ નંબર 2 ટુડે વી વિલ સી પ્રેક્ટિકલ નંબર 2 ટુ કેલ્ક્યુલેટ ઓફ પોલન જર્મિનેશન રાઈટ અંકુરિત પરાગરજની ટકાવારીની ગણતરી કરવી फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो दैट हाउ कैसे शेप की पोलन ग्रेन होती है राइट परागरज नो आकार केवो होय छे ए आपणे जोईशुं पहला तो फॉर एक्जाम्पल तमे धतूराना पुष्पनी वात करो राइट कि हम फॉर एक्जाम्पल धतूरा के फ्लावर की बात करेंगे तो उनकी जो पोलन ग्रेन होगी वो सिंपली राउंड शेप की होगी कि फॉर एग्जाम्पल ये माइक्रोस्कोप है राइट ये स्क्रू को ऊपर करके हम यहाँ स्लाइड रखेंगे और उसके बाद उसको लो पावर में अगर देखेंगे तो वो जो पोलन ग्रेन है वो ऐसे शेप की होगी राइट स्मूथ सरफेस वाली होगी बट फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं चाइना रोज की राइट फ्लावर ऑफ चाइना रोज मींस जासूद गुजराती में हम उसको बोलते हैं जासूद जासूद आपने सबने जासूद देखा है दिस इज जासूद राइट चाइना रोज है ये अब इसमें से जो पोलन ग्रेन आपको येलो कलर की दिखाई दे रही है राइट सो ये जो स्टेमन है ये जो पुंकेसर है उसमें से पोलन ग्रेन निकलती हुई दिखाई देगी और जब पोलिनेशन मीन्स के पराग नयन थे त्यारे आज दल पत्रो छे जे पेटल्स छे राइट एनी ऊपर अहिया पाउडरी फॉर्म में दिखाशे आज पुंकेसर छे राइट तमे आ पुंकेसर जुओ અને આ પુંકેસર જુઓ રાઈટ બંને વચ્ચે ડિફરન્સ છે આમાં પોલન ગ્રેન નથી એટલે કે પરાગરજ નથી પરાગનયન નથી થયેલું પોલિનેશન નહીં હુઆ હૈ ઇસમે બટ યહાં હુઆ હૈ સો યે જો હૈ ઓ ઓરેન્જ કલર કી પાઉડરી ફોર્મ મેં હોતી હૈ પોલન ગ્રેન તો વો કેસે દિખાઈ દેતી હૈ સો ઉસકી જો સરફેસ હોતી હૈ ના એસે હોતી હૈ રફ સરફેસ હોતી હૈ અનઇવન શેપ કી સરફેસ હોતી હૈ ઓર વો माइक्रोस्कोप में अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो ऐसा शेप उसका दिखाई देगा और ऑरेंज कलर की दिखाई देती है और धतूरा की जो पोलन ग्रेन होती है धतूरा नीचे परागरज होय छे सिंपली राउंड शेप नहीं होय छे राइट लीसी सपाटी वाली होय छे ओके सो आज का प्रैक्टिकल क्या है टू कैलकुलेट ऑफ पोलन जर्मिनेशन कि हमने ऐसे फ्लावर में से पोलन ग्रेन ली और स्लाइड पे रखी पर उसके पहले हमको 10% सुक्रोज सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा सुक्रोज सॉल्यूशन मींस के 10% सुक्रोज नो द्रावण बनावानो राइट पछी आज एक स्लाइड होय छे ये जो स्लाइड है उसके ऊपर उसका ड्रॉप रखना है और उसका उसके जो ड्रॉप रखा है उसके ऊपर ये जो पोलन ग्रेन है उसके ऊपर स्प्रिंग करनी है सो ऐसे पोलन ग्रेन हमको दिखाई देगी राइट और उसके ऊपर फिर कवर स्लिप हमको ढकनी है सो दिस इज कवर स्लिप राइट ये कवर स्लिप है स्क्वायर फॉर्म में और उसके अंदर हमने क्या रखा है 10% सुक्रोज सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक 10% सुक्रोज सॉल्यूशन राइट उसके बाद टेक आउट सुक्रोज सॉल्यूशन फ्रॉम सुक्रोज सॉल्यूशन 1 ड्रॉप ऑफ सुक्रोज सॉल्यूशन ऑन ग्लास स्लाइड राइट के स्लाइड ऊपर 10% सुक्रोज सॉल्यूशन छे एमाथी एक टीपू लेवानो एनी ऊपर परागरज नो छंटकाव करवानो उसके ऊपर परागरज को स्प्रे करना है श्रिंक करना है और उसके बाद उसको 10 मिनट ऐसे रहने देना है स्टेन होने के लिए और उसके बाद उसको ये माइक्रोस्कोप है उसमें ऑब्जर्व करना है सो मैं यहाँ सिर्फ प्रोसेस बता रही हूँ आप अभी माइक्रोस्कोप में मैं अभी भी दिखाओगी तो आपको समझ में नहीं आएगा राइट वो आपको फिजिकली प्रेजेंस आपकी चाहिए दैट इज व्हाई मैं आज इस प्रैक्टिकल की सिर्फ मेथड और ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं वो ही समझा रही हूँ सो आप बेसिकली मीन्स के थियोरिटिकली अपने माइंड में सेट कर लेना उसके बाद हम पोलिनेशन पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुई है कि नहीं वो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सो उसके लिए आपको ऑब्जर्वेशन देखना पड़ेगा अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारी 2-3 तरह के प्लांट लिए हैं मीन्स के चाइना रोज का प्लांट लिया है रोज का प्लांट लिया है धतूरा का प्लांट लिया राइट
सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है नंबर ऑफ प्लांट कि कितने प्लांट में से आपने पोलन ग्रेन को ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप में, वो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना है। सो हम लिखेंगे वनस्पति की संख्या मीन्स नंबर ऑफ प्लांट, राइट। फॉर एग्जाम्पल हमने 3 प्लांट लिए है तो आंसर में क्या आएगा 3। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हमने माइक्रोस्कोप के जो फील्ड होता है, जो विस्तार होता है राइट, उसके अंदर बहुत सारी पोलन ग्रेन हमको दिखाई देने लगी कि माइक्रोस्कोप में जो भी हमको दिखाई दी है वो पोलन ग्रेन फॉर एग्जाम्पल कितनी है 20 पोलन ग्रेन है। एक ही फील्ड में हमको 20 नंबर ऑफ पोलन ग्रेन मीन्स के पराग रचनी संख्या कितनी आपने जो मड़ी 20 राइट। एमा थी पोलन ग्रेन नो सो सु केवाई पराग रचनो सो अंकुरण જોવાનું છે। હવે અંકુરણ એટલે શું તો એની બહુ લોંગ પ્રોસેસ છે। ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ ફ્લાવર હોય એનું પરાગનયન મીન્સ કે પોલિનેશન હુઆ હે તો ક્યા હોગા, धारो के आ शू परागाशन राइट मीन्स के स्टिग्मा, ये क्या है स्टाइल मीन्स के पराग वाहिनी राइट, अने आ बीजाशय मीन्स के ओवरी। ओके, अब कोई भी पोलन ग्रेन यहाँ आके लैंड होती है मीन्स के परागरज अहीं बैसे क्या परागाशन पर सेना माटे अंकुरित थवा माटे नर जन्युजनक नो विकास थवा माटे तमे बीजा चेप्टर में ऑलरेडी भण्या छो। हवे तमने खबर केम नहीं पड़े माइक्रोस्कोप में जुओ के परागरज नो अंकुरण थयो छे के नहीं, तो फॉर एक्जाम्पल आ सीम्पल माइक्रोस्कोप नो विस्तार छे राइट। फॉर एक्जाम्पल ये सीम्पली फील्ड होगा माइक्रोस्कोप में, तो जो भी पोलन ग्रेन सिंपल होगी तो वो ऐसे राउंड फॉर्म में होगी, और अगर चाइना रोज एटले के जासूस नहीं हसे तो आ रीते रफ सरफेस वाली हसे राइट। अब पराग रज नो अंकुरण केवी रीते थयो छे मींस के जर्मिनेशन कैसे हुआ है पोलन ग्रेन का वो देखना हो तो उसमें ऐसे क्या बोलते हैं कि ये न्यूक्लियस होता है कोष केंद्र हो पराग रज एक प्रकार नो कोष छे, અને એમાંથી આવી રીતે એક ટ્યુબ્યુલ ફોર્મ થશે જેને કહેવાય પોલન ટ્યુબ। उसको क्या बोलेंगे પોલન ટ્યુબ મીન્સ કે પરાગ નલિકા રાઈટ। પરાગ નલિકા એટલે કે પોલન ટ્યુબ કા જર્મિનેશન હોતા હે મીન્સ કે ફોર્મેશન હોતા હે ધેટ મીન્સ કે પોલન ગ્રેન કા જર્મિનેશન હુઆ રાઈટ। કે પરાગ રજમાંથી પરાગ નલિકાનો વિકાસ થશે એ તમે માઇક્રોસ્કોપ માં જોઈ શકો, ધેટ મીન્સ કે પરાગરજ નું અંકુરણ થયું છે, ના જોઈ શકો તો પરાગરજ નું અંકુરણ થયું છે એમ કહેવાય નહીં રાઈટ। કે અગર આપ માઇક્રોસ્કોપ મેં ફિલ્ડ મેં દેખોગે ઓર યે જો પોલન ટ્યુબ હૈ વો જર્મિનેટ મીન્સ કે ફોર્મેશન પોલન ટ્યુબ કા ફોર્મેશન અગર આપકો દિખાઈ દેતા હૈ ધેટ મીન્સ કે પોલન ગ્રેન કા જર્મિનેશન હુઆ હૈ રાઈટ। सो नॉट नेसेसरी के फील्ड में जो भी पोलन ग्रेन आपको दिखाई देती है उसमें पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन सभी पोलन ग्रेन में हुआ होता है राइट। सो हमको थर्ड पॉइंट क्या लिखना है, माइक्रोस्कोप में जो दिखाई देती है दैट इज अंकुरित परागरज मीन्स के जो जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन है वो फॉर एग्जाम्पल 5 दिखाई देती है हमको राइट। कि नंबर ऑफ प्लांट हमने कितने लिए 3, जो भी फील्ड में पोलन ग्रेन नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो हमको दिखाई दी दैट इज 20, बट पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुई कितनी दिखाई देती है परागरज नु अंकुरण कितनी परागरज नु थयु छे तो फॉर एग्जाम्पल 5। तो उसके लिए कैलकुलेशन है परसेंटेज में राइट। कि फॉर एग्जाम्पल स्मॉल एन दैट इज जो पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन हुआ है वो दिस इज कैपिटल एन राइट, स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन बाय 100। ओके, तो स्मॉल एन हमको 5 मिला, कैपिटल एन हमको 20 मिला मल्टीप्लाई 100। सो इसका जो आंसर आएगा दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ
जर्मिनेटेड कोलन ग्रेन एटले के आनो जे जवाब आवशे देट मीन्स के एना परथी आपणने खबर पड़शे के अंकुरित परागरजनी टकावारीमां गणतरी केवी रीते करी शकाय राइट। सो आज छे सेकंड प्रेक्टिकल बीजो प्रेक्टिकल छे आई होप के तमने खबर पड़ी हशे आवी रीते प्लांटना बहु बधा प्रेक्टिकल छे। त्यार पछी तमे बीजा चेप्टरमां ज इमेस्क्युलेशननी प्रक्रिया भण्या हता राइट। इमेस्क्युलेशन प्रोसेस आप पढ़े थे सेकंड चैप्टर में ही, तो वो जो इमेस्क्युलेशन प्रोसेस है वो भी आपको एक प्रैक्टिकल का वही पार्ट है कि कैसे हम इमेस्क्युलेशन करें, कैसे हम बैगिंग करें राइट, और उसके बाद हम डिजायर पोलन ग्रेन का स्प्रे करें प्लांट के ऊपर, स्टेम स्टिग्मा के ऊपर, और उसके बाद जो भी फ्रूट डेवलप होते हैं वो हम यूज करें। सो वो भी प्रैक्टिकल है। सो नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट प्रैक्टिकल देखेंगे। थैंक यू।